मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब तक विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा कर रहा था, लेकिन अब ईवीएम के साथ साथ डाक मतपत्र भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। भोपाल में पुलिस मुख्यालय की कैंटीन में 76 डाक मतपत्र लावारिस हालत में मिले हैं, जिसमें 73 खाली है जबकि 3 सील बंद है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, साथ ही निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की। मध्य प्रदेश में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वोटिंग शुरू होते ही ईवीएम मशीनें हांफने लगी। राज्य में करीब 100 जगहों से ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया था। ईवीएम को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन इसी बीच भोपाल से डाक मतपत्र मिलने की खबर के बाद तो विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। कांग्रेस सीधा चुनाव आयोग पहुंच गई। दरअसल भोपाल में पुलिस मुख्यालय की कैंटीन में 76 डाक मतपत्र फेंके हुए मिले हैं। जहांगीराबाद पुलिस ने बताया है कि होमगार्ड शाखा की कैंटीन में 3 सील बंद और 73 खाली डाक मतपत्र लावारिस हालत में मिले हैं। सील लगे 3 मतपत्र विधानसभा क्षेत्र 154 गोविंदपुरा के हैं, जबकि अन्य 73 मतपत्र राज्य के अलग अलग जिलों की विधानसभा सीटों के हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवंबर को मतदान हुआ था। हालांकि चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों से 18 नवंबर को डाक मतपत्र से मतदान कराया गया था, लेकिन भोपाल में अभी सुरक्षा कर्मी व्यस्तता के चलते वोटिंग नहीं कर पाए थे। पुलिस के मुताबिक होमगार्ड के कई सैनिक अभी दूसरे राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर गए हैं। लावारिस मिले डाक मतपत्र इन सैनिकों के लिए ही आए थे। वहीं खाली डाक मतपत्र मिलने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम के साथ साथ पोस्टल बैलेट में भी गड़बड़ी की जा रही है, क्या ये चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। वहीं सवालों के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।